नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से दोस्तों जो NRB 02/2022 दोस्तों ये जो फॉर्म भरा गया था जिसमें कि दोस्तों वर्क असिस्टेंट है और स्टेनोग्राफर और ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर का दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरा गया था, तो उससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं और उसके रिलेटेड जो नोटिस जारी किया गया है और एग्जाम से रिलेटेड उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये वर्क का ऑफिशियल साइट है, ठीक। यहाँ पर दोस्तों NRB की तरफ से दोस्तों देखेंगे तो NRB मुंबई की तरफ से दोस्तों यहाँ पर एक कोरिगेंडम यहाँ पर और अटेंडम यहाँ पर डाला गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस व्यू वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपका पेज है देख सकते हैं 11/7/2023 आज के डेट में दोस्तों ये नोटिस जारी किया गया है, इंस्ट्रक्शन जो है 02/2022 NRB की तरफ से, और मोड ऑफ सिलेक्शन एंड अदर इंस्ट्रक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने इस तरह का PDF डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों ये आपका है 02/2022 NRB की तरफ से, और यहाँ पर देखिए NRB विल नॉट अंडरटेक डिटेल स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबिलिटी एंड अदर। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरा इंग्लिश में नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। अब देखिए इस नोटिस में क्या है, मैं आपको इसको हिंदी में अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो देखिए इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आपको इस पर आ जाना है। जैसे इस पर आएंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए बार के एग्जाम 2023 नोटिस टूडे, ठीक। तो इसको मैंने यहाँ पर इस नाम से डाला, वर्क असिस्टेंट स्टेनो और ड्राइवर ओडी ऑर्डिनरी ग्रेड के एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस में हुआ बदलाव और परीक्षा को लेकर ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया। इस ऑप्शन पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बार्क की तरफ से नोटिस निकाला गया है इसको मैं हिंदी में अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया हूँ। जैसा कि यहाँ पर देखिए बार्क NRB विल नॉट अंडरटेक डिटेल स्क्रूटनी, इस तरह के ये जो लिखा गया है इसका मतलब ये है कि देखिए बार्क NRB Level 1 और Level 2 परीक्षा के समय एलिजिबिलिटी और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, ठीक। तो क्या होता था पहले दोस्तों कि स्क्रीन आउट लिस्ट निकाला जाता था और उसके आधार पर ये देख कितने लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, कितने लोगों का रिजेक्ट हुआ और ये सब कुछ वो चेक करता था, ठीक। लेकिन इस बार ऐसा इन्होंने कराया है कि NRB Level 1 और Level 2 परीक्षा के समय एलिजिबिलिटी और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, ठीक। इसलिए उम्मीदवार केवल अंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। Level 2 परीक्षा के बाद NRB द्वारा दी गई तिथि पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आ गया दोस्तों कि जो आप लोगों का एग्जाम होता था उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको मतलब डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने पड़ते थे, तो उसके रिलेटेड में यहाँ पर कहा गया है कि इस समय जब Level 1 और Level 2 की परीक्षा होगी उसका समय जो भी आप लोगों की एलिजिबिलिटी रहेगी और उससे अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच वो नहीं करेगा उस समय, ठीक। इसलिए उम्मीदवारी केवल अंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी पर Level 2 परीक्षा के बाद NRB द्वारा की गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी कि जो लड़के Stage 1 और Stage 2 दोनों क्वालिफाई कर ले जाएंगे इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप जो जो फॉर्म भरते वक्त जो जो डिटेल दिए रहेंगे आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर वो मांगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जैसे कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट और कैटेगरी, ये सब रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे आपका वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही ये लोग मांगेंगे, बीच में आपका नहीं यहाँ पर मांगे जाएंगे। तो देखिए आज के समर्थन में प्रमाण पत्र दस्तावेज मांगे जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान इन सभी दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए और प्रमाण पत्र या दस्तावेजों की जाँच या सत्यापन के बाद यदि आवेदन में कोई भी किया गया कोई भी दावा या प्रमाण पत्रों या दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं होता है तो भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में उम्मीदवार की उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी, यानी कि जो भी आप डिटेल दिए रहेंगे और उससे रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी उम्मीदवारता कभी भी रद्द की जाएगी, ठीक है। इसलिए बीच में ही आप लोगों की एलिजिबिलिटी और जो भी है ये सब जांच नहीं करेगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जांच होगा, ठीक। और देखिए यहाँ पर था दूसरा, यहाँ पर ये था कि देखिए यहाँ पर था ये कि कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट अवेलेबल SC/ST, इसका क्या मतलब है तो यहाँ पर देखिए तो यही यहाँ पर कि SC/ST OBC और PWD और EWS पूर्व सैनिक के लिए उपलब्ध आरक्षण लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे विज्ञापन संख्या NRB 02/2022 में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार होंगे जिनके पास अपने दावे के समर्थन में भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक। तो आपके पास प्रमाण पत्र रहना चाहिए रिजर्वेशन लेने के लिए, ये सब जो भी बेनिफिट होता है SC/ST OBC PWD और एक्स सर्विस मैन के लिए। और तीसरे यहाँ पर देखिए नोटिस में क्या निकले कि देयर इज नो चेंज इन मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर द वर्क, जो वर्क असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर सिलेक्शन में कोई भी मोड में चेंज नहीं किया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है कि देखिए वर्क असिस्टेंट के पद के लिए चयन के तरीके में कोई बदलाव नहीं, हालांकि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और ड्राइवर साधारण ग्रेड के पदों के लिए चयन का तरीका नीचे बताया
अनुसार संशोधित किया गया। तो देखिए वर्क असिस्टेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन स्टेनोग्राफर और ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड वाले में इन दोनों में कुछ संशोधन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर देखिए जो एक एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है, इसका यहाँ पर जो एक एक चीज़ दिया गया है, मैं इसको हिंदी में यहाँ पर डाल दिया हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर है कि इन पदों के लिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो है आपका ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड और स्टेनोग्राफर के लिए कहा गया है कि इन पदों के लिए प्रत्येक स्तर अर्थात स्तर वन और स्तर टू दो में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रशिक्षण सामान्य के लिए 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 40%। तो जो आपका यहाँ पर दोस्तों है 50% जनरल के लिए है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% लाना अनिवार्य है, ठीक। और देखिए चयन के लिए उम्मीदवारों की लघु सूची जो रहेगी, यानी कि जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी के दोस्तों 20 गुना स्टूडेंट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। यहाँ पर हमारा रेशियो 20 के अनुपात में विचार किया जाना है, यानी प्रत्येक रिक्त के लिए 20 उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा, यानी कि जितना पोस्ट रहेगा उसका नंबर ऑफ वैकेंसी का 20 गुना स्टूडेंट यहाँ पर बुलाया जाएगा। इस प्रकार केवल न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करना ही उम्मीदवार के चयन का हकदार नहीं होगा। यानी कि दोस्तों जैसे कि जितना नंबर ऑफ पोस्ट रहेगा उसका 20 गुना स्टूडेंट रहेंगे, और ये जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया कि 50% होना चाहिए, 40%, ये तो पास करना ही करना है। और इसके बाद जब आप लोगों मेरिट लिस्ट बनेगा यहाँ पर, तो कह रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसी का 20 गुना स्टूडेंट बुलाएगा, तो यहाँ पर जो ऊपर सबसे ज्यादा नंबर वाले कैंडिडेट रहेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को ये बुलाएगा, सिर्फ 20 गुना स्टूडेंट को, ठीक। और तीसरा क्या कि सबसे पहले लेवल वन में न्यूनतम अर्क प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उपरोक्त बिंदु में उल्लिखित न्यूनतम अंक तक अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑल कैंडिडेट स्कोरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन लेवल वन शैल बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। और यहाँ पर देखिए कहा गया कि लेवल वन में स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड के योग्य उम्मीदवारों में से अरोही क्रम में केवल शीर्ष 120 उम्मीदवारों को केवल लेवल दो के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। तो देख सकते हैं केवल 120 उम्मीदवारों को केवल लेवल दो के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए और कहा गया है यहाँ पर कौन सा परीक्षण, यहाँ पर देखिए कौन सा है 120 स्टूडेंट स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट। तो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि स्टेनोग्राफर ग्राफी स्किल टेस्ट यानी कि आशुलिपिक कौशल परीक्षण, यदि अंतिम उम्मीदवार के समान अंक प्राप्त होने वाले होते हैं तो एक से अधिक उम्मीदवार हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को लेवल दो के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। और उसमें देखिए यहाँ पर लेवल वन में ड्राइवर साधारण ग्रेड के योग्य उम्मीदवारों में से अरोही क्रम में केवल 220 उम्मीदवारों को लेवल टू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। तो स्टेनोग्राफर के लिए 120 कैंडिडेट और ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 220 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, ठीक। और लेवल टू के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि अंतिम चयन केवल वन और लेवल टू परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त संयुक्त अंकों के आधार पर होगा, जिसमें लेवल वन परीक्षा को 40% और लेवल दो परीक्षा के 60% का वेटेज दिया जाएगा। तो लेवल जो आपका स्टेज वन रहेगा उसका 40% और जो लेवल टू रहेगा उसका 60% का वेटेज दिया जाएगा। अगर दोस्तों किसी का नंबर समान आता है तो आप लोगों के देखिए जो आपका लेवल टू का एग्जामिनेशन रहेगा उसमें जो ज़्यादा नंबर पाए रहेंगे तो उसको वरीयता दी जाएगी पहले, अगर वो भी बराबर हो रहेगा तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आप लोगों को वरीयता दी जाएगी, अगर वो भी बराबर है तो आपको अल्फाबेट का जो आपका नाम होगा उसके आधार पर आप लोगों को वरीयता दी जाएगी, ठीक। तो यही है, पूरा डिटेल आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जैसे कि बार्क का मैथ का पेपर जो 21/2/2021 को हुआ था देख सकते हैं, यहाँ पर साइंस का है और स्टेज फर्स्ट का पेपर बार्क असिस्टेंट का हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं। स्टेज टू दोस्तों एडवांस टेस्ट जो हुआ था आप लोग देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का बार्क असिस्टेंट का कटआउट देख सकते हैं। जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं आपको क्या काम करना पड़ेगा। बाकी बार्क रिलेटेड प्ले लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाके दोस्तों यहाँ से objectivecenter.in ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग इसको विजिट करिए और यहाँ पर जो भी अपडेट है और जो भी वैकेंसियाँ हैं ये सब आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।